प्रोडक्ट एक प्रयोग अनेक एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर। एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर एक शक्तिशाली कंपाउंड है जिसका इस्तेमाल वाटरप्रूफिंग, जंग रोधक एवं केमिकल प्रोटेक्शन के लिए किया जाता है। एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर कनाडा में आधुनिक टेक्नोलॉजी से विकसित किया गया एक बेहतरीन कंपाउंड है जिसका उपयोग विविध स्थलों एवं सतहों पर आसानी से किया जा सकता है। विश्व के कई देशों व विविध जलवायु की परिस्थितियों में सफलता और स्वीकृति पाने के बाद एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर सभी प्रकार की वाटरप्रूफिंग एवं जंग रोधन के लिए एक असरकारक और विश्वसनीय समाधान बनकर उभरा है। एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर एक बहुपयोगी, विविध सतहों एवं विविध क्षेत्रों में उपयोग किया जाने वाला अनोखा और एकमात्र सॉल्यूशन है। एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर का इस्तेमाल कहाँ करें? एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर का उपयोग कंक्रीट, प्लास्टर, सभी प्रकार की रूफिंग शीट, जीआई शीट, एफआरपी शीट, सीमेंट शीट, पॉलीकार्बोनेट शीट, चाइना मोज़ेक, पत्थर, लकड़ी, फोम, मेटल व सभी प्रकार की सतहों पर डायरेक्ट एप्लीकेशन किया जा सकता है। इसमें मौजूद कंपाउंड तापमान परिवर्तन से होने वाले एक्सपेंशन और कंप्रेशन को आसानी से सहन करने के साथ साथ लंबे समय तक सतह को वाटरप्रूफ और जंग रोधक बनाए रखता है। एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर का उपयोग इंडस्ट्रियल एवं घरेलू क्षेत्रों में बड़ी आसानी से किया जा सकता है। आइए अब हम इंडस्ट्रियल क्षेत्र में एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर के अनगिनत उपयोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। एस्बेस्टोस, सीमेंट, गैल्वेनाइज्ड आयरन, मेटल्स, एल्यूमिनियम, एक्रिलिक व पॉलीकार्बोनेट शीट्स, जॉइंट्स एवं बोल्ट्स होल्स के वाटरप्रूफिंग व जंगरोधन के लिए, स्काईलाइट जॉइंट्स, गटर जॉइंट्स के वाटरप्रूफिंग के लिए, रूफ वेंटिलेटर फैन जॉइंट के वाटरप्रूफिंग के लिए, यूटिलिटी कटआउट्स जैसे कि केबल पाइपलाइन, डक्ट लाइन वगैरह के लिए, आरसीसी स्ट्रक्चर, मेटल टैंक में जंगरोधक, वाटरप्रूफिंग व केमिकल प्रोटेक्शन के लिए, सभी प्रकार की दरारें, दीवार व छतों के कटआउट्स के वाटरप्रूफिंग के लिए, फाउंडेशन जॉइंट्स, कॉर्नर जॉइंट्स, एक्सपेंशन जॉइंट्स, भूमिगत निर्माण वगैरह में वाटरप्रूफिंग। आइए अब जानते हैं कि सिविल व घरेलू क्षेत्रों में एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर किस प्रकार बहुपयोगी है। छतों की वाटरप्रूफिंग के लिए, दीवारों व छतों में नमी को रोकने के लिए, दीवार व छत की दरारें एवं जॉइंट्स की वाटरप्रूफिंग के लिए, गटर जॉइंट, स्लैब जॉइंट और एक्सपेंशन जॉइंट के वाटरप्रूफिंग के लिए, मेटल्स में जंग रोधक के रूप में, बेसमेंट, बाथरूम, बालकनी में वाटरप्रूफिंग के लिए, रूफ टॉप लैंडस्केप, अबव ग्राउंड स्विमिंग पूल एवं अबव ग्राउंड वाटर पॉन्ड के वाटरप्रूफिंग के लिए, फाउंडेशन व भूमिगत निर्माण वगैरह में पॉजिटिव वाटरप्रूफिंग के लिए। आइए अब जानते हैं कि एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर का इस्तेमाल कैसे करना है। एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर वाटरप्रूफिंग के लिए सबसे यूनिक, सरल व टिकाऊ समाधान है। एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर को इस्तेमाल करना बहुत ही सरल है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप अपने घर में पेंट करते हैं। इसमें न तो प्राइमर लगाने की झंझट है और न ही इसमें कुछ भी मिलाने की जरूरत है। यह एक रेडी टू यूज मटेरियल है। इसमें मौजूद कंपाउंड इको फ्रेंडली व सुरक्षित है और इसका कोई भी दुष्प्रभाव नहीं है। ESLR के एप्लीकेशन के लिए किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं है। एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर के एप्लीकेशन से पहले यानी प्री इंस्पेक्शन करते समय दो बातों का ध्यान अवश्य रखें। स्ट्रक्चर की मजबूती और छत की हालत का निरीक्षण करना जरूरी है। इस निरीक्षण में यह निश्चित कर लें कि किसी भी प्रकार का लूज प्लास्टर या पुराना कोटिंग न हो और सारे जॉइंट्स, शीट्स, बोल्ट्स, टर्बोफैन, गटर्स और ड्रेन पाइप्स वगैरह सही तरह से फिट होने चाहिए। निरीक्षण के समय यह भी सुनिश्चित करें कि वह जगह साफ सुथरी, सूखी, मिट्टी, केमिकल्स, तेल व जंग से मुक्त हो। यदि ऐसा न हो तो जगह को साफ सुथरा कर दें। एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर के एप्लीकेशन के लिए आपकी जरूरत के अनुसार दो पद्धतियां हैं। एक, आइए अब जानते हैं कि एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर को जॉइंट्स, दरारें, कटआउट्स, कॉर्नर्स और बोल्ट होल्स पर किस प्रकार से लगाया जाता है। एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर के एप्लीकेशन से पहले
पेंट ब्रश अथवा रोलर, लिक्विड रबर और नॉन वोवन फैब्रिक की पट्टी को अपने साथ रखें। अब निर्धारित स्थान पर एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर का पहला कोट लगाएं। अब दरारों, जॉइंट्स, बोल्ट होल्स एवं छिद्रों पे यूवी ट्रीटेड नॉन वोवन फैब्रिक की पट्टी को तुरंत लगाएं। फैब्रिक पट्टी को लगाते समय यह ध्यान रखें कि फैब्रिक में कम से कम क्रीज रहे व उसका कोई भी सिरा खुला न रहे। अब फैब्रिक पट्टी के ऊपर तुरंत ही एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर का दूसरा थिक कोट इस प्रकार लगाएं, जिससे कोई भी हिस्सा बाकी न रह जाए। अब इसे 24 से 48 घंटे तक सूखने दें। इस प्रकार आपके जॉइंट्स, दरारें, कटआउट्स, कॉर्नर्स और बोल्ट होल्स आने वाले कई वर्षों तक पानी के रिसाव से मुक्त रहेंगे। आवश्यकता अनुसार इस पर एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर का तीसरा कोट भी लगा सकते हैं। दो, आइए अब जानते हैं कि आरसीसी छत, मेटल शीट्स, ईंट एवं प्लास्टर की दीवारों पर फुल एरिया वाटरप्रूफिंग, नमी को रोकने और जंग रोधन के लिए एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर का इस्तेमाल किस प्रकार से करना चाहिए। फुल एरिया वाटरप्रूफिंग के लिए पहले प्रथम पद्धति के अनुसार सारी दरारें, जॉइंट्स, यूटिलिटी कटआउट्स इत्यादि भरकर सतह को वाटरप्रूफ कर लें। ऐसा करने के बाद सतह को साफ सुथरा व सूखा करें एवं निर्धारित क्षेत्र पर एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर का पहला कोट लगाएं। अब इसे 24 से 48 घंटे तक सूखने दें। सूखने के बाद भी यदि सतह चिपचिपी रहती हो तो प्रथम कोट के ऊपर ही टैल्कम पाउडर, व्हाइट सीमेंट या प्लास्टर ऑफ पेरिस का छिड़काव करके हल्के हाथ से फैला दें। अब आपकी सतह चिपचिपाहट से मुक्त है और आप इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि इस पर दूसरा कोट लगाने की आवश्यकता हो तो पहले लूज पाउडर या व्हाइट सीमेंट को झाड़ू की मदद से साफ कर दें और उसके बाद ही दूसरा कोट लगाएं और फिर से 24 से 48 घंटे तक सूखने के लिए छोड़ दें। बस इतना ही आसान है। अब आपका संपूर्ण क्षेत्र वाटर और नमी प्रूफ के साथ साथ जंग प्रूफ भी हो गया है। परफॉर्मेंस की अवधि बढ़ाने के लिए आप इसके दो से अधिक कोट भी लगा सकते हैं। कोटिंग होने के बाद इसे कम से कम 10 दिनों तक सूखने दें। ज्यादा आवाजाही वाली जगहों पर कोटिंग के ऊपर वाटर बेस पेंट, सीमेंट अथवा टाइल्स लगाना सलाहपूर्ण है। सावधानियां। एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर लगाते समय नमी या ओस ना हो, इसका भी ध्यान रखें। ऐसे समय कोटिंग करने से परत सूखने में ज्यादा समय लगता है। पहले कोट और रीइंफोर्समेंट फैब्रिक लगाने के बीच समय अंतराल कम से कम या 30 सेकंड का ही रखें। ऐसा करने से कोटिंग और फैब्रिक के बीच अडहेशन अच्छा मिलता है। एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर को पानी या किसी भी अन्य सोल्यूशन के साथ ना मिलाएं। पहली परत सूखने के बाद ही दूसरी परत लगाएं। अन्य कलर की आवश्यकता होने पर कोटिंग के ऊपर वाटर बेस कलर पेंट का उपयोग करें। ऑयल बेस पेंट का इस्तेमाल वर्जित है। जहां पेट्रोलियम और तेल का रिसाव हो वहां एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर का प्रयोग ना करें। प्रयोग के पूर्व बकेट पर दिए गए सुरक्षा के निर्देशों का पालन अवश्य करें। प्रयोग के पश्चात बकेट के ढक्कन को अच्छी तरह से बंद करें, जिससे भविष्य में आवश्यकता पड़ने पर इसका पुनः उपयोग किया जा सके। इस प्रकार एलिफेंट शील्ड्स लिक्विड रबर प्रोडक्ट तो एक ही है,
लेकिन इसके प्रयोग अनेक हैं।